श्री राधे राधे। भक्तों, मानव जीवन में वैराग्य के प्रसंग तो बहुत बार आते हैं, किंतु वो टिकता नहीं है। और कुछ समय घटना विशेष में वैराग्य रहता है, फिर वो चला जाता है। उसको मरकट वैराग्य बोलते हैं। सदा के लिए मन से संसार का आकर्षण हट जाए और प्रभु के लिए आकर्षण मन में उत्पन्न हो जाए, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत गिने चुने, जिनके जीवन में जन्मजात वैराग्य और भक्ति होती है। आज मैं जिन संत की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, संत लोकनाथ गोस्वामी जी की चरितावली, ये लोकनाथ जी इसी प्रकार के अवतारी पुरुष थे। सब कुछ घर में था, लेकिन आकर्षण उधर इनका नहीं था। और आप लोग चैतन्य महाप्रभु के पार्षद अद्वैताचार्य जी का नाम तो सुने ही होंगे। उन्हें अद्वैताचार्य जी के शिष्य थे इनके पिताजी, लोकनाथ जी के पिताजी। बंगाल के जयसोर जिले में तालखड़ी नाम का एक छोटा सा गांव, उसी गांव में पद्मनाव चक्रवर्ती नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था। तो इन्हीं धर्मप्राण ब्राह्मण दंपत्ति का एकमात्र पुत्र था लोकनाथ, एक अकेला बेटा लोकनाथ। घर में वैष्णव उपासना वंश परंपरा से ही चल रही थी। स्वयं पद्मनाभ चक्रवर्ती जी ही अद्वैताचार्य प्रभु के शिष्य थे। और इन सब कारणों से लोकनाथ जी को बहुत दैवी संस्कार प्राप्त थे। कोई बहुत उच्च कोटि का जीव इनका बेटा बनकर के आया था, पद्मनाभ चक्रवर्ती का बेटा बनकर कोई बहुत दैवी जीव आया था। वास्तव में भगवान जब किसी को जन्म देते हैं तो गीता जी के छठे अध्याय में जो प्रभु ने कहा है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट हो जाए थे अथवा योगी नाम एवं कुले भवत धीमताम, वो घटना घट जाती है। अर्थात जिसके अंदर विशेष भक्ति होती पिछले जन्म की, वो किसी ऐसे ही परिवार में जन्म लेता है, योगी के कुल में अथवा बहुत पवित्र धनवान के घर में, जहां धन भगवान की भक्ति के साथ साथ भरा होता है। और ये लोकनाथ जी ऐसे परिवार में जन्म लिए थे। संस्कृत का ज्ञान इन्होंने बचपन में ही प्राप्त कर लिया, छोटी अवस्था में। और अलौकिक प्रतिभा इनकी देख करके लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। बड़ी अद्भुत प्रतिभा थी इनकी, हृदय बड़ा प्रेम से भरा हुआ, भक्ति परायण। कोई भगवान का नाम लेता बस इनके शरीर में रोमांच हो जाता। प्रभु का कोई भी नाम पुकार दे कोई, तो इनके शरीर में रोमांच हो जाता था, आंखों में पानी आ जाता था, हृदय जैसे पिघल जाता था, आंखें छल छल आ जाती थी। और बड़े प्यार से उस व्यक्ति को देखने लग जाते थे जो भगवान का नाम प्रेम से बोलता होता था। और प्रेमावतार भगवान चैतन्य देव का नाम तो बंगाल में बहुत ही प्रसिद्ध था। स्वयं भगवान ही प्रीति परवश प्रेम का रूप धारण करके धराधाम पर पधारे थे, चैतन्य महादेव, चैतन्य महाप्रभु जी। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार, कृष्णावतार भी कहे जाते थे, प्रेमावतार भी कहे जाते थे। और उनकी चर्चा सुन करके इनके मन में एक तूफान सा उत्पन्न होता था। लगता था संसार के साथ संबंध झूठे हैं, जल्दी से जल्दी उन्हीं से संबंध अपने जोड़ लेना चाहिए, इतना प्रेम उमड़ता था उनके लिए। और
अंदर से बिल्कुल सरस होकर के जगत से मुंह उनका मुड़ जाता था, मन हट जाता था। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु की महिमा जब इन्होंने सुनी लोकनाथ जी ने, इतना आकृष्ट हुए कि उनका हृदय तड़प गया महाप्रभु से मिलने के लिए। और दो दिन का रास्ता था, पैदल का रास्ता इनके घर से नवद्वीप के लिए 2 दिन का था, और चित्त एकदम उदास रहने लगा। रात दिन रोया करते थे, घर के लोगों ने तो समझ लिया, और लोग तो समझ ही नहीं पाते थे कि बालक रोता क्यों। लेकिन माता बड़ी दुखी हो गई कि ये जो बच्चा है चला गया, अकेला बेटा है, तो ये निश्चित ही उनके प्रेम रंग में रंग जाएगा, महाप्रभु के प्रेम रंग में, और हमारे कुल का तो एक ही दीपक है, ये साधु संन्यासियों के साथ घूमता फिरेगा तो हमारा घर तो उजड़ जाएगा। माँ बाप का हृदय भला कैसे स्वीकार करता इस बात को, क्योंकि वो पुत्र का मोह तो होता ही होता है, भले कम हो कुछ ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन माँ बाप ये नहीं चाहते थे कि ये बच्चा चला जाए। इसलिए उन लोगों ने कहा, ठीक है बेटा, मैं उपासना तुम्हारी नहीं छुड़ाना चाहता, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भक्ति ना करो, लेकिन तुम घर में रह के भक्ति करो, घर में यही भगवान का भजन करो, जाने की क्या जरूरत है। लेकिन लोकनाथ के हृदय में तो प्रेम और वैराग्य की जैसे भट्टी जल रही हो, आग भभक रही थी, वो किसी के बूते की नहीं थी कि कोई उसको बुझा दे। बहुत उपाय सोचा इन लोगों ने, तो क्या उपाय समझ में आया माँ बाप के, कि इसकी शादी कर दो, भले अभी उतना बड़ा नहीं लेकिन शादी तो कर ही दो। और महाराज, ये एक बाल चेष्टा थी इस तूफान को रोकने की। लोकनाथ के कानों में विवाह के प्रस्ताव की भनक पड़ी और समझ गए कि अब मेरे साथ ये ऐसी कुछ इन लोगों की रचना हो रही कि मैं बंधन में फंस जाऊं, घर द्वार के मोह में पड़ जाऊं। बहुत ही विरक्त थे मन से, इसलिए बात ये उनको अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही थी। लोकनाथ ने किसी भी तरह से विवाह करना स्वीकार नहीं किया। इतनी तीव्रता थी वैराग्य की कि वहां विवाह की बात उनके मन में ही नहीं घुस रही थी। सोच रहे थे जल्दी से किसी तरह से घर से निकल पाऊं और महाप्रभु जी के पास पहुंचूं। अगहन का महीना, रात का सुहावना समय, चांदनी छिटकी हुई थी, चंद्रमा से जैसे अमृत बरस रहा था, और इस अमृत वर्षा के द्वारा वो किसी का संदेश जैसे पहुंचा रहा था, और वो संदेश ऐसा लग रहा था उनको जैसे कोई कह रहा है कि कब से मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूं और तुम्हारी बात जो रहा हूं कितने जन्मों से, और तुम मेरे से मिलने के लिए व्यथा भी तुम्हारे हृदय में है, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं, कब तक भटके हो, कब मेरे पास आओगे। ऐसा उनको लग रहा था कि कोई बोल रहा है। बस उन्हें लगता था जैसे कोई बंसी बज रही कहीं और वो पुकार रही मुझको, और वो मन ही मन बोले, अच्छा मैं आता हूं। और घनघोर रात में वो अपने प्यारे के मार्ग में चल पड़े। रात भर लोकनाथ चलते रहे। दूसरे दिन संध्या समय जब सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे थे, वो नवद्वीप पहुंचे, और महाप्रभु को कब भर आंख देखूंगा इसी लोभ में सारी यात्रा उनकी चालू रही। वो प्रभु के दर्शन के लिए इतना मन में चाव था कि थकने का नाम नहीं था, रुकने का नाम नहीं था, न भूख ने सताया न प्यास ने, क्योंकि लगन बड़ी तीव्र थी।
और महाराज अपने प्रियतम के मार्ग में चल रहा था वो पथिक, वो मंदिर का पुजारी बीच में कहां रुकने वाला था, वो तो बस चलना ही चलना, अविराम अविश्रांत। गंगा का प्रवाह जैसे अविरल गति से भागता जाता है जब तक वो समुद्र की गोद में नहीं पहुंचता है, इसी प्रकार से भक्त की साधना भी अथक रूप में चलती रहती है और तब तक चलती रहती है जब तक जाकर के हरि के चरणों में लिपट नहीं जाता है। ऐसा अद्भुत प्रेम था इनके हृदय में कि महाराज वो भागते जा रहे थे, खाने पीने की तो सुधि ही इनको नहीं थी। लोकनाथ जी महाप्रभु चैतन्य के दर्शन के लिए भागते जा रहे थे घर से। पूर्व प्रेम इतना भयंकर रूप से प्रबल हो रहा था कि घर की सुख संपदा सुविधाएं लाड़ प्यार माता पिता का सब भूल गए थे और मन में यही चल रहा था क्या महाप्रभु जी का दर्शन मैं कर सकूंगा, क्या वे अपने चरणों में मुझे शरण देंगे, मेरी बांह पकड़ के मुझे अपनी गोद में छिपा लेंगे, वे इतने महान मैं इतना तुच्छ हूं, मेरी ओर वो क्यों देखेंगे, लेकिन यदि वो मेरी ओर देखेंगे भी नहीं तो फिर मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे अनधिकारी समझकर अपात्र समझकर ठुकरा तो नहीं देंगे, ऐसी तमाम बातें मन में घूम रही थी। लेकिन वो तो बड़े उदार हैं, मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा भावों का ज्वार भाटा हृदय में चल रहा था। और वो भागते जा रहे थे, नवद्वीप पहुंच गए थे, किसी ने जैसे उनको इशारा किया कि महाप्रभु इसी घर में हैं। बस इतना सुनना था कि लोकनाथ का हृदय एक विचित्र संवेदना में जड़ सा हो गया और बिल्कुल खड़े हो गए, शरीर जहां का तहां ठहर गया, सारी शक्ति समस्त चेतना जैसे लुप्त हो चुकी थी। उनको किसी अज्ञात शक्ति ने यह बता दिया था कि इसी घर में महाप्रभु हैं, जाओ अंदर। और फिर वो अपने लग रहा था कि मुश्किल है जाना, जैसे शरीर जड़ हो गया, लेकिन अंदर किसी तरह से चले गए और फिर देखा कि महाप्रभु जी एक उच्च आसन पर विराजमान है और श्रीवास मुकुंद मुरारी आदि भक्त की टोली चारों ओर से घेरे हुए। दृष्टि गड़ी सी गड़ी रह गई, एक तक महाप्रभु जी की ओर लोकनाथ देखता ही रहा, वाणी मूक थी। रास्ते भर सोचता आया था कि महाप्रभु जी के दर्शन होंगे तो उनके चरणों में ये निवेदन करूंगा, वो निवेदन करूंगा, ये पूछूंगा, ये समझूंगा, ये बात पूछ लूंगा, ऐसा सब कुछ अपना संदेह दूर कर लूंगा, सारी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा, ये सब रास्ते भर सोचा था। आप जैसे सब भूल गया, एक तक महाप्रभु जी को देखते रह गए लोकनाथ जी। और अब हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि उनके हृदय से लग जाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। एक जड़ जैसे पत्थर की कोई प्रतिमा वैसे खड़े रह गए और आंगन में इनको जड़ जैसे खड़े देख करके महाप्रभु जी की दृष्टि इनके ऊपर गई। वे दौड़े, दोनों बाहें फैलाए हुए दौड़े और लोकनाथ को उठाकर अपनी भुजाओं के पास में बांध लिया। वो पवित्र मिलन, वो मधुर आलिंगन। महाप्रभु जी बोले, प्यारे लोकनाथ, तुम इतने दिन मुझे विसार कर कहां बैठे थे, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और भक्तों, लोकनाथ ने नहीं बताया था कि मेरा नाम लोकनाथ है और ये भी नहीं कहा था कि मैं आपके चरणों में शरणागत हुआ हूं। महाप्रभु जी बिना कोई शब्द उनसे पूछे अपने आप बोल रहे थे। महाप्रभु जी कह रहे थे, मैं कब से इंतजार कर रहा था, तुम आ जाए। मधुर आलिंगन प्रदान किया, छाती से लगाया, बड़े प्यार से महाप्रभु जी ने
गदगद वाणी में कहा, महाप्रभु एकदम भाव विभोर थे उस समय, वत्स लोकनाथ तू मेरा है और इतना दिन तक आया नहीं, और इतना भाव से जब सटा करके बोले तो उनके सीने से सटे हुए लोकनाथ जैसे मूर्छित से हो गए और बड़ी मुश्किल से उनको संभाल करके लिटाया गया। उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था कि कहां पर वो पहुंच गए हैं, एक प्रेम राज्य में पहुंच चुके थे वे। और 5 दिन इस प्रकार से निकल गए भावावेश में, एक नवीन जीवन, एक नवीन प्राण। अब लोकनाथ घर में जो थे वो लोकनाथ नहीं है, अब तो जैसे प्रेम के कोई पुतले हो गए। महाप्रभु के मधुर पावन स्पर्श से उनका रोम रोम पुलकित आलादित हो रहा था, उनके शरीर से रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि हो रही थी और प्रीति छलक रही थी उनकी आंखों में, नाकों से, चेहरे से, सर्वांग से। महाप्रभु उनके हृदय के आसन पर, सिंहासन पर विराजमान थे। लोकनाथ अपने उस दिव्य भाव को जिसको सजो करके हृदय में लाए थे उसको देख रहे हैं कि वो तो बहुत विकसित हो चुका है, और उनके हृदयाकाश में महाप्रभु जी अपना संपूर्ण प्रेम जैसे उड़ेल दिए हैं और झरझर झरझर आंखों से आंसू गिर रही है, रुदन अनवरत चालू है। और प्रीति का प्रवाह उनके अंदर जैसे बह रहा है। भक्तों, 5 दिन एक विचित्र पागलपन में रहे वो, अलौकिक आनंद में डूबे रहे, और 6ठे दिन महाप्रभु जी ने लोकनाथ को बुला करके कहा, वत्स तुम वृंदावन चले जाओ और जीवन के शेष दिन वहीं व्यतीत करो। सुन करके जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लोकनाथ ने सोचा था कि मैं जीवन भर महाप्रभु जी के चरणों में रहूंगा, कहां जीवन भर महाप्रभु के चरणों में रहने की बात मन में सोचे थे और महाप्रभु जी ये एक विशिष्ट व्यक्ति इनको समझ करके बोल रहे हैं। इसके पहले कोई भी महाप्रभु जी का शिष्य सेवक कोई पार्षद वृंदावन नहीं आया था, स्वयं महाप्रभु जी भी नहीं आए थे। चैतन्य महाप्रभु एक यही ऐसे व्यक्ति थे लोकनाथ गोस्वामी जिनको इस कार्य के लिए चयन किए और बड़े प्यार से बोले, बेटा तुम वृंदावन चले जाओ और वहीं अपना शेष दिन भी जीवन का व्यतीत करो, और जानते हो कैसे रहना होगा तुमको, भ्रत तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षाम अत। हे भाई, वृक्षों के तले रहना होगा और गांव में भिक्षा मांग करके रहना होगा। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराण कंथाम कुरु, निर्मल यमुना जलपान करना, फटी पुराने चिथड़ों को जोड़ करके कंथा बनाकर उसी को ढक कर उसी से शरीर ढकना। और यदि कोई सम्मान तुम्हारा करे तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। यदि हे लोकनाथ तुम्हारा कोई सम्मान करे तो तुम समझना कि जैसे कोई जहर दे रहा है, सम्मान को अच्छा मत मानना। और कोई नीच व्यक्ति अपमान कर दे तो समझ लो कि अमृत मिला, अपने को शिक्षा मिल रही है, परीक्षा की जा रही है। श्री राधा मुरली धरऊ भज सके वृंदावनम मात्यज। राधा मुरली धर का भजन करना, लोकनाथ
वृंदावन छोड़ना नहीं। और ये जो उपदेश किया है कि वृंदावन नहीं छोड़ना, तुमको वहीं रहना है, तो लोकनाथ गोस्वामी अतिशय घबरा गए, जैसे काठ मार गया उनको, और सोचने लगे प्रभु की इस कोमल कठोर आज्ञा पर क्या करूं। कठोर इसलिए कि चरणों से दूर रहना होगा, कोमल इसलिए कि इन्होंने मुझे अपने कुछ सेवा लायक समझा है, क्या मुझे अपने चरणों में स्थान प्रभु नहीं देंगे। बड़े अद्भुत अद्भुत भाव इनके हृदय में उत्पन्न हुए भक्तों, उन भावों को मैं फिर सुनाऊंगा बाद में। श्री राधे राधे।